सर कुछ रिकॉर्डिंग मिस हो गया है, कब तक रहेगा अवेलेबल सर हम लोग के लिए? मैंने पूछा था मिल जाएगा आप लोग जिस जिसकी जो भी रिकॉर्डिंग हुई ना, मैं कोशिश करूंगा आज बोल के सारी रिकॉर्डिंग आपको एक बार बोल के LMS से आपको सारी दे दी जाए क्लास बंद से लेकर अभी तक। तो मैम से बात हुई थी सर, मैम बोले कि 10 दिन बाद सर्टिफिकेट मिलेगा। हाँ तो कोई देखो सर्टिफिकेट इसलिए मिलेगा, आप समझो ना उन लोगों के पास इतना काम है, इतना काम होता है ना उन लोग, आप छोड़ो वो मेरी हमारी फोन पे बड़ी मुश्किल से रिप्लाई आता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के नहीं उठा रहे, उनके पास है इतना काम। सोचो हम तो 100-200 स्टूडेंट है, उनके पास तो हजारों की तादाद में स्टूडेंट है ना सर। एग्जाम कब टाइम कब होगा? एग्जाम तो मुझे लगा लेंगे नहीं, वो आपका सर्टिफिकेट ही आएगा। एक उन्होंने मुझे दिखाए थे 20-25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप है, अब आप लोगों को मैंने वो सारे किए कराए हुए हैं, आप सारे कर लोगे उसमें कुछ नहीं है। ऐसे क्वेश्चन है कि ब्लॉक की साइट कौन सी है, चार ऑप्शन दे दिए, ट्विटर फेसबुक पर एक और दे दिया, फिर लिख दिया Wix.com, तो Wix.com है वहां पर आप आंसर लिख ही दोगे, है ना, ऐसे क्वेश्चन है वहां पर। पता नहीं मेरे ख्याल से तो वो मुझसे कहने थी कि आज ही लेंगे एग्जाम, अब उन्होंने या तो LMS में अपडेट किया होगा या वहां पे भेज देंगे। अरे उसकी टेंशन ना लो, मैं बैठा हूँ ना, वो सारे पढ़ाए हुए हैं जो जो कोर्स किए हैं। Yes, sir, हमने कॉल किया था तो वो बोले हैं कि अभी व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक भेजा जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया। अब वो बना नहीं पाए होंगे, कोशिश तो कर रहे होंगे। अब देखो दो दो इधर भी वेटिंग में है, इनको ऐड कराता हूँ, वापस चलता हूँ। असाइनमेंट तो सर लॉक किया अभी तक सर मेरे प्रोफाइल में, वो मुझे लगता है कि आपके कंप्लीट हो गए, क्योंकि मैंने उनको यस सर 100 हो गया, तो अभी तक एक भी दिया 100 हो गया सर। यस सर 100% हो गया। हां वो जिन जिनका जो जिनका बीच में रुका भी था, तो वो मुझे लगता है कि ऑटो वो हो गया, वहां पे ऑटो कंप्लीट हो चुका है। यस सर लेकिन मैंने तो एक भी जमा ही नहीं किया, तो सर किसी कंप्लीट हो गया। अच्छा है, लेकिन यहां पे मत बोलना रिकॉर्ड हो रही होगी क्लास। नो सर है ना, और बाकी कौन कौन है आगे दिखाई नहीं दिए, सत्यम केसरी आगे गायब हो गए, केशव राज सर आप तो बहुत अच्छे लिखते हैं। हाँ मैं ये बात तो मेरी मम्मी भी बोलती है सर, शॉर्ट ट्रिक बताने वाले थे जो सर। नहीं शॉर्ट ट्रिक मैं पक्का बताऊंगा, अभी एक्चुअली क्या ना वो ऐसा है, ये समझो उसको मैं अलग से भेज दूंगा, यहाँ नहीं बता सकता उस सब में। सर तो लास्ट क्लास है ना मेरा, तुम्हारा ही नहीं सबका लास्ट क्लास है आज, ये डिजिटल मार्केटिंग का सबका लास्ट क्लास है, इसके बाद अगर कोई दिक्कत आएगी तो सर अगर बाद में हम क्लास देखना चाहें तो देख सकते हैं कभी भी। देखो LMS में तो रहेंगी, अब कितने टाइम तक रहेंगी ये नहीं पता, लेकिन जो एक ग्रुप बनाया था ना वो अभय ने करके शंकरा ने, है ना, हाँ उसमें डाल दीजिए, उसमें सारी चीजें हैं। मैं आज बोलूंगा अगर मुझे सारी क्लासेस मिलेंगी तो मैं आप लोगों के साथ उसी ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप देख सकते हैं, और फ्यूचर में भी कोई दिक्कत आएगी तो भी वहां पर से देख सकते हैं, सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। यूट्यूब पर डाल दीजिए, यूट्यूब पे अपना कॉन्टेक्ट नंबर सर, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है ना आप लोगों के पास, आपको ग्रुप में दिया हुआ था। अच्छा वो ये डिजिटल वाले ग्रुप में कौन कौन नहीं है ऐसा कोई है सर, उसका नंबर है ग्रुप में डिजिटल ड्यूड, हाँ उसमें यस सर है ना, उसमें मैंने डाल दिया, उसमें मैसेज ये है मेरा अभी तक 23 प्रोग्रेस ही दिखा रहा सर, 67 सर लास्ट में है क्या, 67 क्या लास्ट है मोबाइल नंबर आपका सर, हाँ 67 लास्ट है। Okay. वो एक्चुअली वो नंबर मुझे उन लोगों ने दे रखा है, वो हवाई सर्विस का ही है, और अब मुझे आपके लोगों की लिस्ट आएगी, उन्होंने कुछ निकाल लिए शायद 50 के लगभग बंदों को रखा है उन्होंने, अब मुझे दो जब आएगी तो मैं शेयर कर दूंगा। सर आप अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल सर नहीं दिखा पाए थे सर, क्लास में खुला ही नहीं था सर, मैं उसका ना एक्चुअली पासवर्ड भूल गया, वैसे प्रोफाइल मेरी देखनी है तो मैं ये डाल देता हूँ ग्रुप में, देख लोगे सब मिल जाएगा, लिंक्डइन प्रोफाइल ये लो शेयर कर दी। और कोई ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि आज देखो कोई ऐसी खास क्लास तो है नहीं आज, वैसे भी सर मेरा 33 प्रोग्रेस ही दिखा रहा सर,
वो जो असाइनमेंट में ना, यस सर, वो दिखाने सर जो प्रीवियस वीडियो है सर, जो प्रीवियस वीडियो है वो कभी भी दे सकते हैं क्या, कि अभी क्लास के साथ वो भी बंद हो जाएगा? नहीं, वो तो मेरे ख्याल से आपके पास रहना चाहिए, अगर बंद होगा आप लोगों को चाहिए तो बता देना, मैं मैम को बोल दूंगा, वो मेरे ख्याल से तो रहना चाहिए आपके पास। सर्टिफिकेट मोबाइल पे आएगा या मेल पे आएगा सर? जहाँ मेल पे आएगा, क्योंकि ऑफिशियली चीजें है ना, तो ये मोबाइल पे नहीं भेजेंगे, उस पे भेजेंगे सर। तो सर हम लोगों को आप क्या गाइड करेंगे, मतलब कहाँ से हम लोग स्टार्ट करें ताकि ये इस स्किल को हम लोग और डेवलप कर सकें? देखो वैसे तो आप लोग इस लेवल के हो गए कि अगर किसी के कंपनी या किसी का काम लेकर काम कर सकते, एसयू आप लोग पूरा कर लोगे, कैंपेन तो भी नहीं चला पाओगे, मैं बोलूंगा भी नहीं कि कैंपेन चला। उसका रीजन क्या है, क्योंकि कैंपेन में पेमेंट लगती है, अब आपने पेमेंट लगाई, अभी आप ठीक से चला नहीं पाओगे, बजट लग जाएगा, रिजल्ट आएगा नहीं, तो फिर आप उसका जवाब नहीं दे पाओगे, है ना। तो एसईओ में क्या होगा कि एसईओ में कुछ नहीं करना, कोई भी बंदा फ्रीलांसर या वैसे भी 5 से 10 हजार रुपए या 3 हजार रुपए एक प्रोजेक्ट के देता है नॉर्मली, जैसे कि अभी फ्रीलांसर पे जो मिलते हैं ना 5-5 हजार रुपए में भी मिल जाते हैं। अब एक बच्चा जो मेरे पास यहाँ आते थे, मतलब एक ग्रुप में भी यहीं पास किए थे गाजियाबाद के, तो वो मुझसे पर्सनली भी मिलने आ जाते थे। अब वो तीनों बंदों ने दो दो तीन तीन प्रोजेक्ट हुए हैं, किसी ने 2 हजार रुपए, किसी ने 7 हजार रुपए, तो एक बंदा 10-10 हजार रुपए कर लेता है और दिन में सिर्फ 4 घंटे। तो या तो आप देख लो कि जो मैंने फ्रीलांसर बताया था उस पर ट्राई करके देखो, एक प्रोजेक्ट भी मिल रहा है 4 हजार रुपए भी मिल रहा है, ले लो, फिर एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर लेते रहना उस सब चीजों का। सर मान लीजिए कोई फ्रीलांसर पे प्रोजेक्ट ले लिया, लेकिन वो प्रोजेक्ट को टाइम पे कंप्लीट नहीं किया या नहीं किया तो क्या होता है उसमें? पता फिर क्या करते हैं कि वो ना एक ना जो प्रोफाइल है वो आपकी निगेटिव रिव्यू में जाती है, वो ये वहाँ पे लिखा जाता है कि इसने टाइम पे पूरा करके नहीं दिया। जो उसका बंदा प्रोजेक्ट देने आएगा ना, तो वो जल्दी से आपको देगा नहीं, उसको लगेगा कि ये टाइम पे कंप्लीट करके नहीं देता। तो आप जब भी लो ना एक पैसे तो चलो कोई बात नहीं, पैसे तो आप अपने हिसाब से देख लेना, बंदे दे देते हैं वो अपना बिड लगाते हैं कि इस प्रोजेक्ट का मेरे को आप 700-800 में ले लो, या 5 हजार देना है 2000-3 हजार में ले लो, और जो टाइम डिसाइड होगा उससे पहले ही करके दो। सर हम लोग का टेस्ट कब है? टेस्ट का या मैम, मैम ने मुझे बोला तो था कि टेस्ट होगा। सर क्लास कट हो रही है, गर्द हो रही है मतलब। मुझे तो सिर्फ देखो, मुझे स्क्रीन पे अच्छा अनुपमा एक ये, अच्छा इधर भी है रितु राज कुमार, स्टार्टेड स्क्रीन दिखा रहा है सर। नहीं नहीं आगे भी है अभी बच्चे, मैं तो उधर ही देख रहा, प्रदीप कुमार भी है इधर, राज हैं, अनुपमा, नीतीश हैं, और कौन कौन है, बाकी सब लोगों ने तो म्यूट किया हुआ है ऑडियो। अच्छा है सर, तो सर्टिफिकेट कब मिलेगा हम लोगों को? देखो गूगल का तो आप सब लोग पास कर ही लेना, उसका तो मैं भेज दूंगा, 2 दिन का टाइम दे दो, उसमें एक्चुअली में एक मैं वीडियो बना के आपको भेज दूंगा, उसमें दिखाया हुआ, आप देख के बोलोगे कि हाँ यार ऐसा तो हम कर सकते थे, लेकिन अपने रखना जुगाड़, किसी को बताना मत। ठीक है सर, कर लीजिए सर, तो गूगल के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा फिर से? हाँ कुछ नहीं है, एक जो ईमेल आईडी बनाए थे ना उसी ईमेल आईडी से लॉगिन करना स्किल शॉप में, और जो ठीक है उसके हिसाब से आप एक बार में एग्जाम पास कर लोगे। तो उसका सर लिंक भेज दीजिएगा। हाँ स्किल शॉप है, मैं भेज दूंगा, साथ दूंगा ग्रुप पर। सर सॉफ्टप्रो का सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा सर हम लोग को? सॉफ्टप्रो वाला तो देखो वो देंगे, बोल तो रहे किसी ने बात की थी कि एक हफ्ते में मैडम बोल रही थी के लिए। तो मेल पे आएगा कि सर कॉलेज के थ्रू मिलेगा? कॉलेज के थ्रू, कॉलेज ये नहीं पता यार, देखो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैंने ना पहली बार इंटर्नशिप का, किसका किसका उसे इंटर्नशिप, इंटर्नशिप का एक अलग चीज है। देखो इंटर्नशिप क्या होती है, इंटर्नशिप में दो चीजें चलती हैं, जब भी पढ़ के जाता है चाहे वो एमबीए हो, बीबीए हो, या बीटेक हो, या डिजिटल मार्केटिंग हो, 6 मंथ उसको ना कंपनी में एज ए प्रैक्टिस करने के लिए, वहां पे प्रैक्टिकल चीज देखने के लिए मिलती है। अब पहले जो हुआ करता था, जब मैंने 2009 में एमबीए पास किया था, हम लोगों की पेड हुआ करती थी, अभी तक भी वही, लेकिन कुछ कंपनी क्या होती है, कुछ ऐसी कंपनी होती है जो स्टाइफंड के नाम पे आपको रखेंगी तो 3 महीने,
कुछ पैसे दे देंगी, तब चार दे दिए 3 महीने के बाद इस हिसाब से दे देंगी, वो अपने हिसाब से दे देती हैं। लेकिन कुछ कंपनी ऐसी है जो पेड है, तो कहीं भी पेड जाने की तुम्हें जरूरत नहीं है। इंटर्नशिप का मतलब है कि वो चीज प्रैक्टिकल करके देख लो। लगभग मैंने तुम्हें हर चीज प्रैक्टिकल दिखाई है, फिर भी चाहो तो 15 या 20 दिन की इंटर्नशिप निपटा लेना, जो मैंने बताया था, सॉफ्टवेयर में कर लेना, किसमें भी कर लेना जिसमें आपको अच्छा लगता है। और उसके बाद क्या होगा कि 15-20 दिन के बाद आप ज्वाइन कर लेना कहीं ना कहीं। अच्छा, वैकेंसी बीच में वैकेंसी आती है, लेकिन मेरे पास जो आती है ना वो दिल्ली NCR की आती है। अगर दिल्ली NCR में कोई ज्वाइन करना चाहेगा तो मुझे बता देना, मैं उसकी हेल्प कर दूंगा। बिहार वगैरह में नहीं आती है? बिहार में मेरे बच्चे इतना है नहीं कुंदन हुआ पे, इसको वहां अपने काम ग्रो कर सकते थे, तभी मैंने बार बार आप लोगों को ये कि कोई अपना काम ग्रो करना चाहे तो कर सकता है वहां पर। तो हम लोग दिल्ली कैसे आ सकते हैं कॉलेज छोड़कर? हाँ, वो तो उसी केस में तो मैंने आपको बताया, फिर आप पार्ट टाइम लो ना। अभी आपके पास देखो 3 साल है, कम से कम 2 साल तो मान के चलो अपने पास। अब उसकी दो चीजें, या तो आप कर लो यूपी BPSC की तैयारी, है ना, अगर पढ़ाई के साथ नहीं कर सकते है ना तो भी कोई बात नहीं, अपना साथ साथ में बस फ्रीलांसर तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट है। या कोई ऐसी कंपनी, 2-3 ऑप्शन आती है जो फ्रीलांसर प्रोजेक्ट देती है ना, तो मैं डाल दूंगा आप लोगों के साथ, शेयर कर दूंगा, आप उनके उनसे कर लेना हेल्प। लेकिन जो भी कंपनी का काम करोगे, जिसका भी काम करोगे, जो भी पेमेंट डिसाइड होगी, चाहे 2000 हो, 5 हो, 10 हो, 50 जो भी हो, 50% पहले एडवांस लेना है, ये ध्यान रखना। वरना ऐसी भी बहुत कंपनी है आजकल जो काम कराती है फिर पैसा नहीं देती। जो कंपनी 50% दे दी, समझ लेना जेन्युइन है, क्योंकि उसे काम करानी है, वो पूरी देती, क्योंकि उसे भी डर लगता है कि कल को हमने पैसे दे दिए, बंदे ने स्विच ऑफ कर लिया, काम नहीं किया। तो काफी कंपनियां 50% दे देती है, कुछ परसेंट दे देती, मतलब कुछ दे ना तभी काम करना। ऐसा ना हो कि मंथ के एंड में देंगे तब काम करना, वरना ऐसे बीच में कंपनी आई है लॉकडाउन में जो पूरे पूरे महीने काम करा लेती है बच्चों से, बाद ना गायब हो जाती है, 25 से 26 दिन पर गायब हो जाती है, फोन ही नहीं उठाती। तो फ्रीलांसर पे सर्च करना होगा ना? क्या करना होगा? सर्च करते रहना पड़ेगा। आप कुछ मत करो, आप लोग सारे अपना CV अपडेट कर लो, मैं अपना CV एक डाल दूंगा इसमें, कैसा फॉर्मेट बनाना है, एक CV डाल दूंगा। सब लोग वो CV ग्रुप में से डाउनलोड करके अपने हिसाब से अकॉर्डिंग, बस नाम डिटेल चेंज कर लेना, बाकी चाहे फॉर्मेट वैसे रखे रहने देना। मैं एक कॉमन CV डाल दूंगा, मतलब आपकी एजुकेशन के हिसाब से भी क्या CV होना चाहिए था। कुछ नहीं करना, 2 प्लेटफॉर्म पर अपडेट करना है, एक Naukri.com पर करना, एक Indeed पर। कर लोगे ना? यस सर। हाँ, yes, नहीं sir. होगा तो मुझे बताना, बस इन 2 पर अपडेट कर देना, आपको लानी सुन जाएगी। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग की बहुत वैकेंसी है आज की डेट में, बंदे मिलते नहीं ढंग से काम करने के लिए। सर, चैटिंग में कुछ पूछा जा रहा सर, बर्थडे कब है? मेरा बर्थडे तो मेरे भाई जो अब एक्चुअल में मेरा ओरिजिनल है वो है 16 अप्रैल को, 16 अप्रैल पार्टी चाहिए। जो भी बंदा कभी भी गाजियाबाद आए तो मुझसे मिलके जाना, चाहे कैसे भी आए। सर आप मिलेंगे ना सर गाजियाबाद में? हाँ भाई, मुझे पहले बता दोगे तो जरूर मिलूंगा। आप बड़े लोग हो ना सर? ऐसा नहीं है, ऐसा लग रहा है बड़ा हूं मैं। सर आप बिहार इस साल आएंगे क्या? सर यार मेरे 2-3 दोस्त की शादियां तो थे, बनारस तो मैं आऊंगा, अब बिहार कहां तक पहुंच पाता हूं? 2-3-5 सर हम लोग का नेक्स्ट कोर्स कब स्टार्ट होगा? देखिए नेक्स्ट वाला भी मैम ही बता पाएंगी या ये टीम बता पाएगी शॉर्ट फिल्म, मगर ये वाले जल्दी एग्जाम के बाद जब ही शुरू होगा। देखो सर, जो हम लोग का कोर्स कराया जा रहा है डिजिटल मार्केटिंग का, वो उसका मेन सेंटर कहाँ है? NIT पटना क्या? नहीं नहीं बेस है सॉफ्टवेयर तो दिल्ली बेस है, लेकिन आप तो सब AQU के है ना आर्यवर्त? यस सर। तो आप लोगों इसका मेन लखनऊ में है ना साथ सर? लखनऊ में हो सकता है वहां का, देखो इसका मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं आप लोग लखनऊ लिए आया तो ये सॉफ्टवेयर कंपनी प्रोवाइड कराती है आपको लेक्चर ऑनलाइन,
मैं उन्हीं के पास हूँ जो ट्रेन okay, सर है ना सर। ये एमबीए करने से क्या होता है? वैसे तो पैसे ही बर्बाद होता है आज की डेट में, उससे अच्छा तो आप इंजीनियरिंग क्या उसमें भर रखा हुआ है, इंजीनियरिंग भी तो उसी तरह हो गया है, इंद्रा हो गया है सब। आईआईएम में एमबीए करने क्यों जाता है? हाँ देखो देखो एमबीए जब देखो एमबीए जब जब जो टॉप कॉलेज है ना जैसे आईआईएमएस रिपीट हो रही है अभी भी हो रही है अब नहीं हो रही है नो सर। तो मैं ये कहता हूँ कि जो मतलब देखो बड़े कॉलेज है वहां से आप एमबीए करोगे कराते तो फायदा है, लेकिन आज की डेट में ना आप देखो एमबीए एमसीए इनका टाइम चला गया। अब एमबीए आप करोगे, एमबीए मेरे टाइम का था जब मैं 2009 में किया था, तो 2006 से लेकर 12 तक एमबीए एमसीए बहुत चलता था। या सर अभी किसका टाइम है? हाँ मैं वही बता रहा हूँ, मैं पैसा ऐसा तो इतना कुबेर का खजाना होता नहीं, मुझे पता है अब यूपी बिहार में इतना है ना लिमिटेड ऐसा होता है, तो उसको आप ऐसी जगह मत लगा दो कि एमबीए कर लिया एमसीए कर लिया, जॉब मिलती नहीं आज की डेट में। अगर जॉब मिली भी मान लो प्लेसमेंट किया, तो कंपनी में बहुत पॉलिटिक्स होती है, कंपनी में जहां मैं काम करता हूँ वो लोग भी मतलब उनकी आंखें कि इसे भगा दो इसकी जॉब हड़प लो, तो मतलब इतना ज्यादा प्रेशर होता है। तो उससे बढ़िया आप लोगों को मैं बताता हूँ, तो जो बंदे की हाइट अच्छी है तो वो तो एसआई में करे तैयारी, तो डिफिकल्ट एसआई बनना। मैं से बहुत से बंदों को जानता हूँ जो सिर्फ इंटर पास करके बिल्कुल नल लेते और वो एसआई बने हुए हैं, मतलब सब इंस्पेक्टर दो का समझते हो ना। जो लोग एसआई में नहीं उसकी हाइट नहीं है तो वो बैंक तैयारी कर ले, आधार भी करोगे आधार भी इजी है, वो क्लियर हो जाता जल्दी। ठीक है मुश्किल से 20 या 25 हजार बंदे होंगे जो इंटरेस्टेड होंगे। अब एक बात बताऊं, आप देखोगे जाओगे ना उसका एग्जाम दोगे, आपको तो 10 हजार थोड़ी चाहिए, एक सीट चाहिए आपको तो एक निकालनी है, और सिर्फ उसकी नहीं उसके बाद आधो हुए है ना, आधो के बाद और भी हुए, किसी को अगर टेबल पे भी खुशा तो लपेट दो। आदमी की निकलती है वैकेंसी, आदमी में जाओ, आदमी में क्लर्क की है ना, सीआरपीएफ जितनी आर्म फोर्स है इनमें कहीं ना कहीं ट्राई करो बी क्लास में, और जिसमें कोई दम हो तो वो यूपीएससी में भी आ जाए। हाँ तो देखो उसमें देखो बिहारी सर यूपीएससी क्रैक करते हैं। हाँ पता उसमें क्या हाँ सर यूपीएससी कैसे कर सकते हैं ये बीटेक के मैंने प्रिपेयर के साथ साथ कैसे कब से स्टार्ट करें कर सकते हैं इंडिया से कर सकते हैं। मैं बता दूं आपको, देखो बेनिफिट क्या है, प्राइवेट जो का प्रेशर में रहोगे, अच्छी जॉब मिल भी गई छूट जाती है, जैसे अभी लॉकडाउन हुआ पड़ता है लोग बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी हाथ खड़े कर लिए है ना, लेकिन जो लोग सरकारी में थे वो अपने मजे ले रहे हैं। पटवारी लेखपाल इतना कुछ है बी क्लास में, उनको सबको एक पकड़ते 2 साल है आपके पास, अब अपनी ये तैयारी करते रहो। कॉलेज वालों ने करा है ठीक है, मैंने आधे बंदे तो वैसे निकल जाएंगे। जब मैं एमबीए करता था मेरे साथ के 30% बंदे बैंक पे लग गए थे, 20% यूपीएसआई जो बचे हुए थे वो यूपीएससी क्लियर करने गए थे, और जो बचे हुए वो जॉब करते हैं इधर। तो वही फट्टा अपना वन टाइम मेहनत है, अभी मेहनत कर लोगे फिर टाइम नहीं मिलेगा, तो बेस्ट तो ये, बाकी तो आप एमबीए एमसीए जिंदगी भर करते हो। अरे कौन का रहा है अभी, कौन है भाई ये कौन है? राकेश कुमार के ऑडियो से आ रहा है ट्रेन। अरे शांत हो जाओ सब, मैंने म्यूट कर दिया, दोबारा ओपन कर रहा हूँ। सर आप कौन से कॉलेज से एमबीए किया है? मैं ये चंडीगढ़ में आईआईपीएम है बात, जो एमईबीए किया हूँ वो किया हूँ मैं पुणे में आईआईईबीएम है वहां से किया हूँ, और एलएलबी क्या हूँ इन मेंटेक्स गाजियाबाद। होता क्या सर एमबीए करने पे? कुछ नहीं है सर, आपने छोड़ा क्या?
मैं तभी तो बोलूं, मैं तभी कुछ नहीं हुआ उसमें, तभी मैंने बोला कोई पैसे ही बर्बाद किए हैं, क्योंकि कुछ ज्यादा उसका वो मिला नहीं स्कोप, है ना। तो कहने का मतलब अब ना सक्सेसफुल है नहीं वो कोर्स, सिर्फ जो बड़े लोग करते हैं। अगर आप कर सकते हो तो बजट है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कम पैसों में अच्छी चीज, तो अभी के हिसाब से तो गवर्नमेंट जो भी है। सर एक बात बोलूं? हाँ, कौन बोल रहा है? प्रिया। हाँ, बोलना चाह रहा हूँ। आप 10 से लेकर यानी 12 के बाद से अभी तक जो पहुंचे हैं उसका डिटेल मैंने बता दीजिए ना, कैसे पहुंचे हैं यहाँ तक जोड़ने। मैं अपनी बाइक से पहुंचा हूँ सिटी। सर बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करना चाह रहे हैं, ज्वाइन नहीं अभी ज्वाइन किया, अभी पता देखो नहीं आ रहा, कोई भी नहीं आ रहा ज्वाइन में। 12 के बाद क्या किए, उसके बाद क्या किए, बीटेक किए, एमबीए किए, क्या किए? अच्छा, मैं क्या किया हूँ ये देखना चाह रहा हूँ, लो मैं आपको पूरी डिटेल भेजता हूँ अपनी। यस सर, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा, बोल दीजिए ना। नहीं देखो, मैंने क्या किया, मैंने बीएससी की पहले, ठीक है, बीएससी मैथ से किया हूँ, उसके बाद मैंने किया है एमबीए क्लास, फिर एमबीए किया पूरा, फिर मैंने वहां से ये गया ऊना गया डीबीए के लिए, और एलएलबी किया से, क्या नाम है ये जो बता था, इनमेंटा गाजियाबाद से। तो पूरा दुनिया घूम लिया। हाँ, लगभग मैं गूगल, याहू, बिंग, इतने सारे दिखाए तो थे आपको सर्टिफिकेट, 23 सर्टिफिकेट मेरे पास। सुनो, यूपीएससी अटेम्प्ट किए 5 बार। इंटरव्यू में गए हैं मैं सर, हैं सर, गोलगप्पा का बैग अटेम्प्ट कर दिए थे, 5 अटेम्प्ट दिए हैं मैंने। हाँ, मैं क्लियर नहीं कर पाया, दिवादी हो गया सर, क्लियर नहीं हुआ। दिल्ली गए थे सर ये खुद से। सर इस कोर्स का आगे का सर, मतलब कोई सर 3 या 6 महीने का कोई कोर्स होता है सर डिजिटल मार्केटिंग का? देखो 6 महीने का वही कोर्स होता है जो मैंने आपको बताया। वो क्या करते हैं हम लोग थोड़ा बहुत, देखो मैंने एक चीज बोली थी कि आप लोगों के साथ पढ़ाने में रीजन क्या था, क्योंकि आप लोग भी उतनी स्पीड से चल रहे थे, चला रहा था यही चीज, वो 6 महीने में पढ़ाते हैं, वो बहुत स्लो स्लो करते हैं, क्योंकि वो पैसे लिए होते हैं 6 महीने के, तो उन्हें दिखाना होता है कि हमने बहुत कुछ करके दिखाया 6 महीने में। वो 6 महीने में से ज्यादा कुछ मार्केटिंग में सर हम लोग जितना पढ़े काफी है सर, की और भी बहुत है, ये तो बहुत ज्यादा पढ़ाया मैंने आपको, बहुत है। आपको कोई टॉपिक अगर बचता है ना तो मुझे बताना कि ये टॉपिक रहेगा, मैं आपको उसका बता दूंगा। ऐसा नहीं है कि कुछ बचा हुआ है आपके पास। सर हाँ, ये देखो मैंने अपने जो वो डाल लिया डिटेल, ये है मेरे पास, मैं डाल दी थी मैंने डिजिटल वाले में, उसमें मेरी डिग्री भी लिखी है नीचे, पता चल जाएगा क्या क्या किए। हाँ जी। ओके सर। सर फ्रीलांसिंग में एसईओ का भी वर्क 90 to 180 डेज तक ही होता है? देखो एसईओ किसी का भी हो, अब देखो गूगल को ये नहीं पता कि आप फ्रीलांसर काम कर रहा है या एक रेगुलर बंदा, उसको तो आप रेगुलर बेसिस पे पोस्ट डालते रहो, जैसी आपकी 90 डेज होंगी, 90 से पहले आ जाता है लेकिन वो फिर भी 90 काउंट करके चलता है, जैसी 90 डेज होगी आपके कीवर्ड पहले पेज पे रैंक कर रहे होंगे, और पहले पेज पे जाने की सबकी मतलब जद्दोजहद है, जैसी पहले पेज पे आए तो समझ लेना कि रिजल्ट अच्छा खासा आने लगा। एक और सवाल था सर कि कोई कोई एसईओ ऐसा भी होता है कि 20 बार जो मिल के एसईओ कर रहा है उसका तो टॉप होगा ना? नहीं, देखो मैं 20 बंदा कर रहा है। नहीं देखो मैं इसका एक आंसर बता रहा हूँ। अब मान के चलो हम एक्यूयू की बात करते हैं कि अगर एक्यूयू यूनिवर्सिटी चाहे तो 10,000 बंदे तो होंगे, वो अपने बंदों से दिन की एक बंदे से 10 पोस्ट डलवाएगा तो 10,000 × 10 100,000 पोस्ट एक दिन की जाएगी, तो इस हिसाब से क्योंकि वेबसाइट सबसे ऊपर आनी चाहिए। लेकिन गूगल ये नहीं कहता, गूगल कहता है कि आप चाहे एक ही पोस्ट डालो दिन में, क्वालिटी पोस्ट होनी चाहिए तो वो टॉप पर रखेगा, तो अकेला बंदा उसको हरा सकता है, लेकिन आपकी क्वालिटी पोस्ट होनी चाहिए, है ना। ऐसा हो सर, अभी के क्लास करना जरूरी है किसकी? अभी नहीं नहीं आपकी, देखो ये तो बस हमने ऐसी एक बार देखना था मुझे कितने रिमेडियल क्लास है ना सर। नहीं वीडियो तो मुझे बोला तो मैं आ गया, वरना अभी तो मैं सोया ही हुआ था, मैं बस जस्ट उठाऊं आज। आज सुबह भी एक क्लास थी ना, उसके बाद अब मार्केट जाना ही थी। हाँ तो पैकेज कितने का है सर?
किसी का कोई काम है, कोई जाना चाहे तो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी ये क्लास भी मुश्किल से वो 10 मिनट में वो हम बंद कर देंगे। सर्टिफिकेट कब मिलेगा सर? देखो एग्जाम अभी तक नहीं हुआ सर। क्वेश्चन क्वेश्चन वाला कौन सा जो ट्रिक थी? नो सर, सर्टिफिकेट कब मिलेगा सर? मुझे जहाँ तक लगता है वो मेल में देंगे आपको, वो प्रिंट आउट निकालना होगा। तो टेस्ट पड़ेगा उसके बाद में मिलेगा सर? कैसा ही मिल जाएगा? हाँ सर, टेस्ट के बाद या ऐसे ही? ये मुझे नहीं पता, टेस्ट भी था तो मैम ने मुझे क्वेश्चन तो दिखा दिए, इतने हार्ड नहीं है, वो बहुत आराम से आप कर लोगे। ओके, है ना? बहुत गूगल के लिए टेस्ट देना होगा उस सर्टिफिकेट के लिए? नहीं वो, हाँ गूगल का सर्टिफिकेट जो पास कर लोगे तो जहाँ मान लो अगर आप जॉब करने के लिए गूगल के बारे में सर ने एक वीडियो ही बना दिया है सर, एग्जाम बहुत टफ होता है सर, इसका आंसर कहाँ से लाए आंसर? मात्र 17 मार्क्स। कोई ट्रिक बताइए ना प्लीज। हाँ दे दूंगा, ठीक कोई बताइए ना। शांति रखो, भेज दूंगा ग्रुप में। सर उसका ट्राई किए थे, मात्र 17 मार्क्स आए थे। 17 ले आए हुए भाई, ये भी तुम्हारा अचीवमेंट है पहली बार में। जब मैं पहले गया था तो दो बार तो मैं 3-3, 4-4 नंबर लाया था और मैं तो बहुत पढ़ता था। सर एक क्वेश्चन है, हमें एक बात मिला है, हम कोई भी आंसर देते हैं उसमें निगेटिव रहता है तो उसको पॉजिटिव बनाकर देते हैं। मैं पॉजिटिव आशावादी ज्यादा हूँ, ये बात सही है। सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा है। कोई बात नहीं दोस्त, चलिए कोई बात नहीं, ये तो देखो मिला बहुत चीज। अरे ऐसा कोई नहीं है, देखो मेरे पास भी बीच में अगर कोई ऐसे प्रोजेक्ट आएंगे ना जो फ्रीलांसर मतलब मांगते हैं यहाँ पर, आजकल क्या हुआ देखो एक चीज बताऊं, अभी गुड़गांव ने क्या किया है, और स्टेट में भी था लेकिन अभी हरियाणा ने क्या कर दिया, 70% रिजर्वेशन दे दिया अपने लोकल वालों को, यानी कि जितनी कंपनी गुड़गांव में थी माथा पकड़ के बैठी है। रीजन क्या है कि वहां पे 70% उन लोगों को जॉब मिलेंगी प्राइवेट में भी जो वहां के गुड़गांव के रहने वाले हैं। अब सोचो जो बंदे बिहार के यूपी के बाहर के बंदे थे वो तो बेकार हो गए। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, या जो कंपनियां वहां पे गई थी हरियाणा में रहने के लिए गुड़गांव में, तो वो अब क्या मूव कर रही है नोएडा के लिए, कि उन्हें तो अपने इम्प्लॉय छोड़ लेने है। तो अब उठाया कि फ्रीलांसर घर से काम कराने, तो अगर ऐसा कुछ मिलता है ना तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, उसको छोड़ना नहीं है। सर ये ग्रुप खत्म ना हो, ग्रुप हमेशा के लिए रहेगा ना सर? अब देखो जो अभिनय बनाया मेरे ख्याल से तो वो तो है, जो लोगों के हाथ में है वो तो मैं कह नहीं सकता, नहीं भी वो नहीं देख सकता, बता देना गोलगप्पे खिलाओगे ना? अरे टिक्की भी खिलाऊंगा भाई, नहीं सर गोलगप्पे ही खाने हैं। ठीक है ठीक है, फोन पे कर दीजिए सर। हैं क्या कर दीजिए? पागल है यार, फोन पे गूगल पे चलेगा? नहीं अगर आप लोग एक ही जगह पर होते तो मैं कर देता, ऐसा नहीं है एक ही जगह पर सबके घर पहुंचाना। सर पिज्जा ऑर्डर कर दीजिए ना सर। अरे तो पिज्जा किसको दूंगा घर पे, थोड़ी ऐसे ज्यादा बोल रहा है यार तू लोग, सब एक जगह रहेगा ना सर। ये देखो सर सेंड करते हैं, कॉलेज में भेज दो ना, कॉलेज में सेंड कर भेज दो ना, क्या सर सभी कॉलेज में भेज दो, कॉलेज में भेज दो सभी, वहां जा जाते हैं। एक तरह से ईमेल मार्केटिंग सर, ईमेल मार्केटिंग को बोल दो, सर को बोल दो भाई। सर मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए ना, पार्टी बका रहे हो भाई, बोलने दो। हां मतलब मुझे तो समझ में नहीं आया तुम लोगों ने, बोलना भाई बोलना। सर मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए। हाँ बताओ आप। बोला की शेयर बाजार में और बैंक निफ्टी में डिजिटल मार्केटिंग कितना यूजफुल अति हेल्पफुल होगा? मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, किस बाजार में? बोली गई ना शेयर मार्केट, शेयर स्टॉक मार्केट के बारे में। अच्छे से डालो स्टॉक मार्केट में। अच्छा स्टॉक मार्केट में कितना ये का है, ये पूछना चाहते हो ना?
कितना हेल्पफुल होगा मेरे लिए शेयर मार्केट में कोर्स? नहीं, मार्केट में तो ये देखो आज की डेट में इससे बढ़िया कोई कोर्स है ही नहीं, क्योंकि आपको ये ना सादी ऑप्शन देता है घर बैठ के सादी चीजें करने का। जो लोग घर से कोचिंग कराना चाह रहे हैं उनके लिए तो सबसे अच्छा है, मैं सादे क्लास हूं आपको, है ना?